आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सबको पता है कि एस जयशंकर इस समय पाकिस्तान में है, और ये हम सबको पता भी था कि रोस्ट करने में एस जयशंकर माहिर हैं, और पहले तो यूरोप अमेरिका को उनकी ही भाषा में जवाब दिया, लेकिन अब पाकिस्तान में जाके उन्होंने पाकिस्तान को रोस्ट किया। रोस्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्होंने सच्चाई बताई, ठीक है ना। जहां शहबाज शरीफ ज़बरदस्ती BRI को एक्सपैंड करना, अब उनको पता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव POK से जाता है, उनको ये मुद्दा लाना ही था कि कश्मीर से होके हुए जाता है तो उसको एक्सपैंड करना, ये वो बहुत उन्होंने। तो भाई एस जयशंकर ने जो बोला है वो आपको सुनना पड़ेगा, और एस जयशंकर कहते हैं साफ साफ कि देखो ट्रेड और आतंकवाद TT ट्रेड एंड टेररिज्म साथ साथ नहीं चल सकता। उनके ही घर में बोला है, पाकिस्तान के घर में सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कल आज डे टू है CO का, उसके बाद फिर वापस जयशंकर भारत आ जाएंगे, कोई बायलेटरल समिट नहीं, लेकिन इस तरीके से कुछ स्वागत हुआ, अच्छा हुआ, ठीक है। तो यहां पे बोला है, एग्जैक्ट वर्ड्स में आपको बताता हूं, कि जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इट रिक्वायर्स पीस एंड स्टेबिलिटी, ये पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में बोला है कि डेवलपमेंट तभी होगी जब अमन चैन होगा। ये तो जाहिर सी बात है कि जहां क्योस होगा, और पाकिस्तान में क्योस 1947 के बाद से ही है, तभी वो कभी डेवलप नहीं कर पाया। उसके बाद बोला कि अब जो चार्टर बोलता है भाई, SCO का चार्टर साफ साफ बोलता है कि आतंकवाद से निपटना है, और ये ट्विटर पे पोस्ट भी किया एस जयशंकर ने जाने से पहले कि चार्टर क्या बोलता है। तो बोला कि देखिए फर्म और अनकॉम्प्रोमाइजिंग इन 3 evils, यानी कि जो 3 शैतान हैं उससे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वो आपको खत्म करने ही करने हैं और उस पर आपको अडिग रहना है। अब ये 3 compromising, ये 3 evil क्या है? सबसे पहले तो एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म और टेररिज्म। तो एक तो आतंकवाद जो कि अगेन पाकिस्तान में है, एक्सट्रीमिज्म जो कि अगेन पाकिस्तान में, और सेपरेटिज्म वो भी पाकिस्तान में है। तो अगर आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो ये बोलते हैं कि देन ट्रेड, एनर्जी फ्लोस, कनेक्टिविटी एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज कैन नॉट हैपन। अगर ये चीजों को आप सपोर्ट कर रहे हैं साफ साफ कि ना ही ट्रेड होगा, ना ही एनर्जी होगी, ना ही पीपल टू पीपल एक्सचेंज होगा, आप इनसे पहले निपटिए तब जाके। अब यहां पे बहुत बड़ी बात बोल दी, ठीक है, सीधा सीधा ये होना ही था। एस जयशंकर कुछ ना कुछ जरूर 110% को बोल के आना ही था। फिर उसके बाद बोला कि जो प्राइमरी गोल है टेररिज्म, अब इसको और एक्सटेंड करते हैं, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म, ये 3 evils को कॉम्बैट करने का, ये इस समय ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि आज पूरी दुनिया जो है वो अनस्टेबल है। और इसमें ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, ये नहीं कि खाली आपने बात कर ली और कुछ कर नहीं रहे हैं, ऑनेस्ट कन्वर्सेशन की यहां पे बात है। तो जो अच्छा पड़ोसी है, गुड नेबरलीनेस, रीअफर्मिंग द कमिटमेंट टू SCO चार्टर, जो अच्छा पड़ोसी है, आप SCO समिट बहुत बोल रहे हो, आप SCO समिट की एक भी पॉइंट पे अमल नहीं करते हो, एग्जैक्ट इनडायरेक्टली उन्होंने ये बोला कि एक अच्छा पड़ोसी SCO चार्टर को मानेगा, गजब, और आप उस पर एक भी बात पर अमल नहीं करते हो, जो कि सच है। तो सबसे पहले तो इसको आप काउंटर करिए, ओके। साथ ही साथ यहां पे ये भी बोला कि देखिए चाइना को भी टारगेट किया, रशिया के 76 रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, चाइना के 16, क्यों? ईरान की वजह से, बगल में ईरान है ना, और ईरान इजराइल की प्रॉब्लम है। तो अब पाकिस्तान, यहां रशिया को पता है कि हम तो बॉर्डर ईरान से शेयर करते नहीं, पाकिस्तान तो करता है ना, तो कुछ तो है। 76 रिप्रेजेंटेटिव आए, 76 पूरा प्रतिनिधित्व मंडल आया भारत की तरफ से, 5 गए एस जयशंकर, 4 और पता नहीं पूरी बारात लेके क्या कर रहे हैं वहां पे, बट जाहिर सी बात है। देखिए एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में कौन कौन आ गया है, ईरान तो है ही है, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान को लाने की कोशिश है, लेकिन पाकिस्तान ईरान को, वो आप देखिएगा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अभी जनवरी में हुई थी, है ना, ये पाकिस्तान कभी भी ईरान का साथ नहीं देने वाला, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर है, अगर पाकिस्तान ईरान का साथ दे देगा तो अमेरिका को पैसे कौन देगा, है ना, बात ही है, जियोपॉलिटिक्स ऐसे। तो यहां पे ये बोला कि देखिए इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि कोऑपरेशन जो है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ आए, तो सबसे पहले तो आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सॉवरिन, इसको आप टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, हमारी जमीन हमारी है, ये चाइना को सीधा सीधा तंज था, टॉन्ट था, कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट करिए, सॉवरिन इक्वालिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिकॉग्नाइज करिए और सॉवरिनिटी को रिकॉग्नाइज करिए, जेन्युइन पार्टनरशिप होनी चाहिए, है ना, मैं ऊपर आप नीचे नहीं, जेन्युइन पार्टनरशिप, आप दिखाएं तो कि आप इंटरेस्टेड है भारत से अच्छे संबंध बनाने में, यूनिलैटरल एजेंडा नहीं होना चाहिए, जैसे यहां पे शहबाज शरीफ BRI बोल रहे थे कि BRI को एक्सपैंड कर, फेल्ड प्रोजेक्ट है, चाइनीज काम नहीं करना चाह रहे डर के मारे, यहां पे चाइना खुद यहां पे पाकिस्तान से गुस्सा है कि तुम प्रोटेक्शन तो दे नहीं पा रहे हो हमको, तो यूनिलैटरल जो एजेंडा है उसको बंद करो, ठीक है। आप
पार्टनर दो हैं, मैं भी हूं आप भी हूं, तो अपने लिए नहीं, मैं क्यों आऊंगा फिर जब आप खाली अपनी बात कर रहे हो, आप हमारी भी बात करो। तो जब तक हम चेरी पिक करेंगे ना ग्लोबल प्रैक्टिसेस को, वो नहीं हो सकता कि बस आपके हिसाब से एक्सपेंशनिस्ट चाइना को बोला यहां पे तो आप उस हिसाब से काम करोगे ना, आपको सबके साथ में चलना पड़ेगा। एससीओ में 16 मेंबर्स हैं तो उन 16 के 16 के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो ये चीज है। बाकी जो ग्लोबल इनिशिएटिव है, नेशनल इंडिवर्स है, उनकी भी बात की हमने काफी कुछ किया है यहाँ पे दूरी दुनिया के लिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन लाइफ, तो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एडवोकेट करते हैं, तो हम एक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, राइट? तो ये सारी चीजें बोली, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात वही है कि जो ट्रेड और टेररिज्म, क्योंकि ये पाकिस्तान में जाके बोलना ना बहुत बड़ी बात है, तो पाकिस्तान ने इन्वाइट किया और वहां पर ही धो डाला एस जयशंकर ने। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, सिर्फ 400 रुपए का है, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती हैं और साथ ही साथ आपको यूट्यूब के बारे में एक चीज पता चल जाएगी। थैंक यू सो मच।